अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। और एक बहुत ही खुश गुड न्यूज है आप लोग के लिए कि जो फर्स्ट 6-9 के एमयू के स्कूल्स के जो फॉर्म भरे जा रहे थे उसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आज जिसका 7 मार्च लास्ट डेट था, आप देख रहे हो पुराना नोटिफिकेशन जो आया था जिसमें लास्ट डेट 7 मार्च डिक्लेयर किया गया था, और जो विद लेट फाइन 300 रुपए एक्स्ट्रा लेट फाइन के साथ आपको जिसका लास्ट डेट आपके पास 14 मार्च था उसको एक्सटेंड करके ना अब बढ़ा दिया गया है 24 मार्च को ना। अब आप लास्ट जो फॉर्म है वो 24 मार्च तक फिल कर सकते हैं, और उसका विद लेट फाइन 31 मार्च कर दिया गया, 31 मार्च तक आप उसको फिल कर सकते हैं आप। और एक पुरानी बात थी जो आपके फॉर्म में कभी कभी एरर हो जाते हैं, तो एमयू बहुत अच्छा काम करता है, एक बार फिर से ओपन होता है साइट और आपके जो जो करेक्शंस होते हैं वो करेक्शंस को अपना आप करेक्ट कर सकते थे। पहले का जो डेट था वो शायद 14-15-16 मार्च था, उसको अब एक्सटेंड करके 2-3-4 अप्रैल कर दिया गया है। तो गुड न्यूज यही है कि अब आपका विंडो शायद वो क्रैश कर रहा था या कुछ इशू आ रहे थे विंडोज में, मतलब साइट में काम करने में, या फिर कोरोना का रीजन, इसकी वजह से आई डोंट नो कि उन्होंने एग्जैक्ट रीजन डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन अब आपके लिए खास है कि अब आपका डेट 24 मार्च तक आप एमयू का फॉर्म फर्स्ट 6-9 का फिल कर सकते हैं। और रही बात कि एग्जाम की डेट की, आप खास अगर उस न्यूज नोटिस में देखेंगे, नोटिस में तो नीचे के लाइन में लिखा हुआ है ये बात कि एग्जाम का डेट भी सेपरेटली आपको अनाउंस किया जाएगा। तो उम्मीद है, अब सिंपल बात है, जब लास्ट डेट 4 तारीख को एग्जाम का करेक्शन का विंडो आएगा फॉर्म का करेक्शन का, तो 4 तारीख को ऑलरेडी डेट जो अनाउंस किया गया था 6 और 1 का एग्जाम का वो तो नहीं हो सकता है, तो उसका डेट होपफुली अपना ईद के बाद ही, यानी मई में, एंड मई में या 20 मई के आसपास, मेरा उम्मीद करता है एग्जैक्ट डेट में आपको नोटिफाई कर दूंगा, ईद के बाद ही होने के चांसेस हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।